रात भर बारिश हुई और बारिश देखिए एकदम ये समंदर तालाब बना हुआ है। और देख सर ये देखो सद्दाम सर कहाँ इधर आइए ये देखिए ये देखो ये सारे जो है तो जाओ निकलो सब लोग हमें रुको भैया तुम तो एकदम बिल्कुल पहले दे रहे हो अबे और ऊपर करना पड़ेगा राहुल मुंह में तुम्हारे फेविकिप चिपका देंगे बलगम तुम ज्यादा चिटक रहे हो बलगम आ गया ये आ गया वो आ गया अंकित भाई स्टार्ट करो ये चलो भाई अभी निकले हम लोग रात भर ड्यूटी करके ऑफिस से और बाखुदा ऐसा बारिश भरा हुआ है मतलब कि लखनऊ में कई जगह का ऐसा हाल है। रोडें तो बहुत अच्छी बनवा दी हैं सरकार ने लेकिन अफसोस बेहद अफसोस कि उनके पानी निकालने का इंतज़ाम कुछ भी नहीं करा है एंड अब वो फंस गए कि भाई निकले कहाँ से मतलब बहुत ख़राब अगर ये 3 महीने में बनकर तैयार हुई कोई यकीन करेगा एक हमारे मौदहा में साल भर एक घर में लगा देते हैं है? मौदहा से बदतर है मौदहा अपना अच्छा है ये तो इतना ज़्यादा खुश है कि यही नहा के निकलेगा भाई। शाम की चाय का समय हो गया है और हमें मिनी कैफे में और पीते हैं एक कटिंग भाई एक कटिंग देना बहुत मुस्कुरा रहे हो ए भाई 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 पहले कूलर बज गया यार नहीं तो मुझसे नुकसान हो जाता अभी चाय पी लो कटिंग। हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू मैं हूँ आपका अकबर अहमद स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो भाई हम आ चुके हैं मौदहा से लखनऊ और आज बहुत बारिश हुई है लखनऊ में अम्मी को भी लेके आए हैं अम्मी को दिखाना है इस बार हमें एंड अभी हम जा रहे हैं एटीएम कुछ पैसे निकालने हैं फैमिली के लिए सामान लेना है तो ये सारे काम जल्दी जल्दी कर लेते हैं और अपना डेली रूटीन चालू है। आप बताएं कैसे हैं आप ट्रैफिक देखो कितना ज़्यादा ट्रैफिक है और ये है आपका बलिंगडन की फेमस चाय अंदूर जो कि रात भर खुली रहती है। सुबह हमको थोड़े से फ्रूट्स लेने थे और हम आज काफ़ी जगह गए मिले नहीं तो फाइनली हम ओल्डन की तरफ जाएंगे वहाँ मिल जाएंगे और आज मेरे पैर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि मैं बता नहीं सकता। गरी लेने थे अम्मी के लिए तो आ गए हैं आपका क्या बोलते हैं आकिब भाई के यहाँ पे गरी आ गई है हमारे आकिब भाई और आकिब भाई क्या हाल है सब। ये जो आम है ज़बरदस्त आम है ये अभी क्या है बारिश की वजह से 100 में 3 किलो हो रहा है तो मैंने 3 किलो ले लिया 100 रुपये का और काफ़ी मतलब देख रहे एकदम ताज़ा आम है डाल का आम है 100 रुपये का 3 किलो यही आम अभी जो है ना 100 का 2.5 किलो 100 का 2 किलो था 100 का 3 किलो। हम जा रहे हैं थोड़ा सा चौक साइड क्योंकि जिस डॉक्टर को अम्मी को दिखाना है तो वहाँ पर जाकर देख रहे हैं कि भाई वहाँ पर नंबर कैसे लगता है क्या सिचुएशन है उसके बाद फिर अम्मी को हम लेके जाएंगे। तो भाई क्लिनिक होया है एंड अब ये गाना भी यहीं पर जाएगा भैया एक अगले गाना तो भाई होया है एंड अल्लाह का शुक्र है कि हालांकि जहाँ गए तो वहाँ भीड़ बहुत होती है क्योंकि एक दिन में 20 नंबर बढ़ते हैं जो कि सुबह 8 बजे तक बढ़ते हैं उसके बाद 3 बजे आते हैं डॉक्टर देखते हैं लेकिन ऊपर वाले का कहते हैं ना कि आपको कहीं ना कहीं से बिल मिल जाता है तो आपके रिसेप्शन में मेरे बहुत खास दोस्त बैठे थे मुझे भी नहीं पता था कि वो वहाँ बैठते हैं गए तो वो भी सरप्राइज़ हो गए मैं भी सरप्राइज़ हो गए तो उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह जो है कल हम आपका कराते मुझे एक बार रात में कॉल कर लेना तो चीज़ें आसान हो गई अखलाक से कुछ लोग कमाए हमने जो वक्त वक्त काम आ जाते हैं भाई। जो लखनऊ में ये सिटी वाली जो रोड थी फाइनली बन गई है जो काफ़ी आराम है नहीं तो बहुत ज़्यादा गड्ढे जैसे और यहाँ पे अब हम अम्मी को लेके जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ शिकायत ये थी कि अम्मी के सर में हमेशा दर्द रहता था तो हमने कहा एक बार दिखा लें और कि दर्द क्यों रहता है तो अम्मी है साथ में हम हैं और जा रहे हैं उसके बाद फिर यहाँ डॉक्टर के बाद हमको बहुत लेट हो गया तो हम अपने ऑफिस जाने लगे और ये देखिए विधानसभा कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। सुबह ही हो गया हमारे ऑफिस में लंच एंड आज ये हमारे नीतीश सर क्या लाएँ सर आज लंच में पता नहीं रोटी है दाल है एंड ये आई थिंक तरोई की सब्जी है एंड तुम क्या लाए आसिफ दाल है दाल इसमें कुछ नॉन वेज है आइए सर दर्द दे रहा है क्या हुआ तभी सही नहीं है क्या अरे सो जाओ और मुझे सर क्या लेके आए हैं मैं बिरयानी ले आती इतनी अच्छी सब भाभी बिरयानी बनाती पब्लिक आपका वेट कर रही है अकबर भाई कुछ लेके इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह 4 साल तो बोलते इंशाल्लाह हो गया कुछ खिलाया नहीं है कहाँ खिलाया 60 रुपए की बिरयानी 4 पीस गिनाओगे भाई 60 रुपए पे ना जाओ 60 रुपए पे ना जाओ 60 रुपए पे ना जाओ भाई का दिल देखो दिल कैसे देख के देखिए 60 रुपए की बात नहीं है 60 रुपए में इतनी अच्छी टेस्टी बिरयानी मिलती है आप उसको देखिए मिलेगी सर 60 रुपए में आप किसी से भाई, भाई ये लोग इस बात से बहुत लोग एग्री करेंगे चले अभी जरूरी नहीं चलो अभी चलो
हमारे फुल बार चलना पड़ेगा। और यहाँ पे सारे हमारे दोस्त लोग जा रहे हैं सुबह सुबह ऑफिस के बाद चाय और समोसा खाने, जो कि हम जा रहे हैं केवल के यहाँ हज़रतगंज की मशहूर आपकी शॉप है चाय की। और ये देखो मुजाहिद लगे हैं पट्टियाँ पारने अभी चल से, ये सारे लोग यहाँ आए सब लोग चाय पीने। तो ये आपके केवल के बढ़िया गर्म गर्म समोसे, ये हमारा अभी बाबा पार्थ एंड अंकेश ठीक खा रही है, हमारे नितेश भाई समोसा ले लिया आपने? जी भाई शुक्रिया भाई, हमें चौक में आर्टिकल दिखाने गए थे डॉक्टर असद अब्बास साहब को, वहाँ पे दिखा दिया। फिर उसके बाद अम्मी को आज एमआरआई था तो एमआरआई कराने आए हैं, और यहाँ पे आम लुट रहे हैं तो आम दिखाते हैं आपने। कैसे दे रहे हैं आम हवाला? कौन सा है हवाला? कैसे दिए? 100 का 4 किलो है। फ्रूट्स ले लिए हैं और 1 किलो आम भी ले लिए हैं। बाकी डेली व्लॉग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है, जितना भी मिल रहा है तो जो भी कंडीशन है मतलब के वो कर रहे हैं। बाकी सुबह हम वेट कर रहे हैं, आपने 1 घंटे की रिपोर्ट आएगी और अम्मी यहाँ पर बैठी हुई हैं, और 1 घंटे में रिपोर्ट आएगी तो बस रिपोर्ट देते हैं फिर निकलते हैं। ऑलमोस्ट 40 मिनट हो गया है, ये दुआ करेंगे बिल्कुल भी अच्छा ना हो एंड दर्शन हो रहा है। स्नैक टाइम ऑन सैटरडे, और ये आया है हमारे ऑफिस में पिज़्ज़ा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये हमारे टैलेंटेड सद्दाम सर, जिन्होंने आज हमको बहुत परेशानी में, सर में दर्द होने लगा लेकिन बहुत हेल्प कर रहे हैं। ये क्या बात है, ज़बरदस्त। हाँ अल्लाह का शुक्र है कि अम्मी के सर की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। और अभी हम जा रहे हैं अम्मी की आँख को दिखाने सनई हॉस्पिटल में, अम्मी के छोटा सा याक होना है और आँख चेकअप होनी है। तो बस आप सब ऐसे ही दुआ करिएगा, अम्मी के लिए दुआ करिएगा, और अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक कमेंट शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे सीधे हम नेक्स्ट वाले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब बखैर, अल्लाह।